गाइस ये यहाँ हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, माता रानी की कृपा से हम सब यहाँ पे ठीक है। गाइस आज है 7 अक्टूबर। जैसे मैंने पिछली जो आपने मेरी वीडियो देखी होगी, ये वो मैंने वहाँ पे एंड कर दी थी, यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि गाइस आज हमारे हॉस्टल में है डीजे पार्टी। यो, अब दो बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ डीजे वाले बाबू होंगे, जो डीजे वाले भैया होंगे सिर्फ वो होंगे और सारे यहाँ पे गर्ल्स इनवाइटेड हैं। तो गाइस हम लोग मज़े करेंगे, उम्मीद करेंगे आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, इसलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ खाएंगे पिएंगे, है ना? पहले हम खाएंगे उसके बाद हम डांस करेंगे। तो गाइस ठीक है, गाइस अभी हम आपसे मिलते हैं नीचे जाके। बाय गाइस। गाइस हमारे मोमोज आ गया, पहले हम करेंगे पूजा, बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड आपको दिखता है हमें यहाँ पे डांस करने के लिए। मेरा ना मोमोज खा के पेट नहीं बड़ा भरा मेरा, नहीं मतलब इन दोनों का भी, रवि और प्रीति का भी। तो हमने ये दोनों चीज़ें भी ऑर्डर कर दी, फिर फिर हमने सोचा कि आज हम डिनर नहीं करेंगे क्योंकि डिनर अच्छा नहीं बना, मंचूरियन मुझे पसंद नहीं है और अरहर की दाल है शायद जो खा खा के हमारा पेट अब मन अक गया, पेट तो भर ही जाता है, मन अक गया, इसलिए हमने ये भी ये दोनों चीज़ें भी खानी है। इसके बाद हम सोचेंगे कि हम कोई चीज़ें खाते हैं, है ना? तो चलो गाइस हम इसे इंजॉय करते हैं और आप हमारी वीडियो इंजॉय करो। बाय गाइस। ये जो हमने सारी पार्टी शार्टी की ना एंड हमारा इस कोल्ड ड्रिंक से हो रहा है क्योंकि हमने पार्टी इसलिए की कमला मेरी बहन का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे अनीता। हां तो उसके बर्थडे की खुशी में हमने ये पार्टी की है और उस दिन को यार इतना प्यारा मुझे उसे फिर उसके लिए ना पार्टी डीजे नाइट अरेंज की है। गाइस आई एम सो सी सिस्टर। तो बस गाइस अभी हम थोड़ी देर में इसको खत्म करते हैं, हम जाएंगे वहां पर। जाओगे तुम लोग? गाइस चलो मॉर्निंग। तो ये वीडियो बन रही है 9 अक्टूबर को, क्योंकि 8 को हमने कुछ नहीं किया क्योंकि हमारे साथ एक हादसा हो गया था और वो जो लास्ट वाली वीडियो थी वो डीजे नाइट वाली वो थी 7 अक्टूबर की। जब हम वहाँ से वापस आए हमने थोड़ा रेस्ट वगैरह की, फ़ोन में मैंने चार्जिंग पे लगाया, जैसे वो फ़ोन चार्जिंग से आया उसके बाद मुझे मेरी फ्रेंड की कॉल आई हुई थी तो मैंने उसे कॉल बैक की, उसके बाद उसने कुछ बताया, उसके बाद हमने उस चीज़ के बारे में सर्च की, काफ़ी टाइम के बाद वो सर्च किया हुआ मतलब जो सर्च किया था वो डाटा मिला मुझे। उसके बाद वो एक हादसा हो गया मेरे साथ जिस पे हमें रात को नींद ही नहीं आए, फिर जैसे तैसे करके सुबह हुई, सुबह घर वालों को बताया सब कुछ और फिर घर वालों ने कुछ नहीं बोला, घर वालों ने तो कहा चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है और थोड़ा बहुत समझाया उन लोगों ने। उसके बाद तो क्या क्या हुआ, उसके बाद मैं सो गई काफ़ी टाइम के बाद, फिर उसके बाद पापा की कॉल आई, फिर पापा ने थोड़ा बहुत समझाया मेरे को, फिर हमने जो हिम्मत हारी थी फिर हम उस पे अपने ट्रैक पे वापस आ गए।
फिर मैंने अपनी रवि बंसल से बात की, उसने उसने मतलब रवि बंसल से बात नहीं की, उसको मैंने कुछ नहीं बताया, उसको कुछ समझ आ गया है ना हाँ मैं समझ आ रही हूँ। रवि, उसको समझ आ गया। फिर उसने मुझे बोला, उसने भी समझाया मेरे को, फिर उसने मेरा जो खोया हुआ नाम था वो वापिस लाया है रवि, हाँ तूने जम्मू की कटरीना कैफ। ये बता ये ब्लैक स्लीव लाइन फिर उसके बाद रात को मैंने अपनी बेस्टी से बात की, उसने और समझाया, उसने कहा चलो यार छोड़ो यार, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। फिर हमारी ये जो स्माइल दिख रही है ना, ये वापिस आ गई थी। है रवि, हाँ बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा नहीं दे रही है रवि, प्रीति देती है, पर प्रीति को ना बात ही नहीं पता है। अब प्रीति मेरी वीडियो देखेगी ना, फिर उसको बात पता मुंह चलेगी। तोड़ देना, मैंने तो बस गाइस देख लो, अगर मेरे मुंह पर ना थोड़ा सा ना ऐसे ऐसे हो गया हो ना, तो आप लोग समझ जाना नेक्स्ट वीडियो ठीक है में गाइस, समझ जा रहा आप लोगों को कि मुझे मारी मार ठीक है, मिली है। मार पड़ी है वो भी मेरे से, हाँ गाइस आपको लगता है मैं इससे मार खाऊंगी ये बात भी है। हाथ तो तेरे हाथ थोड़े मेरे हाथ गाइस इतने अच्छे से, इतने सॉफ्ट से हाथ है मेरे, और इसने मेरे हाथों मेरे से को थोड़े हैं, आपकी फ्रेंड के हाथ बहुत गाइस जोर से देख लो आते हैं। कितनी गंदी आई है मेरे हाथों को, ये हथौड़ा बनाती है। चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, नाम अच्छा पड़ गया, क्या चाहिए और हाँ प्रीति हाँ ये नहीं पता, ये बता ना मेरी इतनी अच्छी मालिश की इसने। हाँ यार थैंक यू सो मच गाइस, आपकी दोस्त बहुत अच्छा पैरों की मसाज करती है, इसलिए मेरे मतलब दर्द था पर अब ये ठीक हो गया है, थोड़ा सा बचा है। ओ हाँ माफ भी वाह करनी है तुझे, ये सो मतलब स्वीट ऑफ यू। गाइस ये बहुत गंदा है, मुझसे भी करो तुझे भी करो गाइस देख आज तू कर लियो, बस दर्द जो का, होया चलो, जो मैंने बकाया हुआ है आज फिर से वापिस आ रहा है, दर्द कम करना है सेम बढ़ाना नहीं है। तो गाइस बस ये सब कुछ बीता था मेरे साथ पिछले 1-1.5 दिन में। उसके बाद गाइस अभी हो गया है जैसे सुबह, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, माता रानी की कृपा से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। और फिर अभी हमने डिनर डिनर सॉरी ब्रेकफास्ट कर लिया है, उसके बाद देखो अब हम नहा धो के बैठे हैं। उसके बाद मैंने अभी रवि की ऑयलिंग की, ये देख ही रहे हो मेरी आँख, ये मेरे कलाकार है, एक पे यहाँ पे रवि बंसल है, यहाँ पे प्रीति कुमारी है ना। गाइस थैंक यू सो मच, देखो मुझे गाइस बताओ मैं कैसी लग रही हूँ इस कलाकारी पे, इनका जो मैं वो बनी हूँ, क्या बनी हूँ मैं इनका, क्या डमी हाँ डमी, गाइस मैं इनकी डमी, इतनी जीती जाती प्राणी इनकी डमी बनी है गाइस। चलो गाइस जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस ये सोच के गाइस आगे चलते रहो, और डीमोटिवेट मत हो, अगर डीमोटिवेट होंगे तो मेरे पास आ जाना, हम आपको मोटिवेट कर देंगे है ना, हमारे पास आ जाना गाइस, हमारा एड्रेस है, हम चंडीगढ़ ग्रुप्स ऑफ कॉलेज जंजेरी में बैठे हैं, आप आ जाना हमारे पास, हम आपको मोटिवेट कर देंगे। और फिलहाल क्या हो रहा है, रवि बंसल हमारी असाइनमेंट बन हमारी ने अपनी असाइनमेंट बना रही है, प्रीति कुमारी हमारी फोन पे लगी है, और बंद्रा जी अपना लैपटॉप लेके बैठेगी और बिग बॉस देखेगी। गाइस अब मनोरंजन तो अपना अपने आप ही करना पड़ेगा ना, तो हम ऐसे अपना मनोरंजन करेंगे, हम वीडियो वीडियो देखेंगे, ये बिग बॉस देखेंगे, चॉकलेट खाएंगे, चॉकलेट नहीं खाई आज हमने, रवि उठा तो मुझे भी खिला दे। कितने गंदे लोग हैं। तो गाइस अभी हम चॉकलेट खाएंगे, अगर आपने खानी है तो कॉन्टेक्ट करना है रवि बंसल को ठीक रवि वंशी का पिटारा है चॉकलेट्स का, है। हाँ गाइस इसके बाद घर ये ना घर गए थे ना, घर से बहुत कुछ लेके आई थी, ये चॉकलेट लेके आई थी, मिठाई लेके आई है, और पता नहीं वो गोले छोले किसके, पता नहीं गाइस कौन से गोले छोले गोले छोले लेके आई है ये। और तो गाइस फिलहाल हम जाते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि हमारे एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो हम लोगों ने पढ़ना भी है, पढ़ने के लिए इससे पहले नोट्स बनाने पड़ते हैं जो हमने स्टार्ट कर दिए हैं, अभी हम उसे कंटिन्यू करेंगे। तो आप भी देखो हमारी रूटीन और हम करते हैं एंजॉय वीडियो को। बाय गाइस। क्या गाइस।
रात के नाखून काट रही है। तो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे क्योंकि अभी फोन हो रहा है मेरा चार्ज, क्योंकि पढ़ना तो फोन से ही है ना। बुक्स तो अभी है नहीं मेरे पास, तो जो टीचर्स ने जो मटेरियल दिया होगा उससे हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे और फिर करेंगे मजे। चलो गाइस इंजॉय करो गाइस वीडियो मेरे साथ, मेरा संडे देखो, अपना संडे बताओ कैसे गया आप सबका। बस गाइस ज्यादा नहीं बोलना मैंने गाइस, बाय गाइस। तो गाइस देखो जैसे मैंने कहा था शीशा बहुत गंदा था पिछली वीडियो में, मैंने इसको साफ कर दिया गाइस और मैं थोड़ा अपना हुलिया ठीक करके बैठी हूँ क्योंकि मैंने बिग बॉस नहीं देखा क्योंकि नेट नहीं चल रहा है, मेरा फ़ोन चार्जिंग पे था। तो अभी हम सोच रहे हैं बिग बॉस बाद में ही देखा जाए, अभी हम पढ़ने लगे थोड़ी देर में। मैं तो पढ़ ही रही हूँ कब से। क्या पढ़ा आपने? सुन रहे हो? मेरी पहली वीडियो पढ़ने के मैं तब भी असाइनमेंट बना रही थी, मैं अब भी असाइनमेंट ही बना रही हूँ। हाँ और ये भी तो बताओ ना आपने झाड़ू पोछा लगाया, ये हमारी काम वाली बाई बन गई है हाँ ना? एक तो तेरा काम किया जो तूने बिगाड़ा था, तो बाय मिस्टेक बिगड़ा था ना वो, तो अब मैं ऐसे बैठी हूँ, अब मैं थोड़ी वो काम करूंगी, तो आपको करना पड़ेगा दीदी। तो चलो गाइस बस मुझे यही बताना था कि मैंने शीशा साफ कर दिया है, इससे ज्यादा अच्छा शीशा साफ नहीं हो सकता मेरे से, है ना? नीचे दाग रह गया है। तेरी आंखें नहीं है, ये टिच बटन है, मुझे नहीं पता यार वो पेपर से साफ किया मैंने, नहीं साफ हुआ। चलो छोड़ो पीछे, चलो छोड़ो गुस्सा, तो अभी हम जाते हैं करते हैं कोई और काम। यो तो गाइस अभी हम पढ़ने लगे हैं, ये हमारा फोन जिसे हमने पढ़ना और इधर हमने पढ़ना। Later. तो गाइस अभी हम घूम फिर के आ गए और हम मैगी भी लेके आ गए हैं और अभी आपको हम सिखाएंगे मैगी बनाना अपने स्टाइल में। वो तो थी ना वहाँ पे घर पे बनाने वाली, अभी हम आपको हॉस्टल में कैटल में जुगाड़ू मैगी बनाना सिखाएंगे। ठीक है गाइस, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी एंड एंजॉय माय वीडियो गाइस, बाय गाइस। तो गाइज ये हमारा सेटअप लग चुका है, ये हमारी मैगी है, इसमें हम ये बटर डालेंगे, इसमें ये मिर्ची डालेंगे और ये हम नमक डालेंगे क्योंकि इसका कैटल जो हमारी है ना, ये हमारी कैटल है, इसका जो मुंह है ना ये काफ़ी बड़ा नहीं है जिसके कारण ना इसे धोने में मुश्किल होती है हमें, तो फिर हम इसलिए ऐसे ही जुगाड़ू मैगी करेंगे, जुगाड़ रखेंगे। चलो गाइज हम मैगी स्टार्ट करते हैं। गाइस जैसे आपको पता है हम जुगाड़ू मैगी बना रहे हैं, हमारे पास प्याज हो गया, हम इसे भी बता देते हैं। हमारी जुगाड़ू मैगी कैसी है?
गाइस कुछ ऐसे बनती है मैगी हमारे हॉस्टल वाले स्टाइल में, हमारे जुगाड़ू मैगी के स्टाइल में। तो आई होप कि आपको रेसिपी हमारी बहुत अच्छी लगी हो, जिसमें कुछ भी नहीं था ज़्यादा, और आपने इंजॉय की हो हमारी वीडियो। अगर आपने इंजॉय की हो तो प्लीज़ गाइस इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और अपना ढेर सारा हमें प्यार देना। तो अब हम आपसे कोई और दिन मिलेंगे इसी टाइम पे इसी जगह पे, तब के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, खुश रखो सबको।